यहाँ पे लोग मेरे को भेज रहे हैं क्या क्या बर्थडे की बाइटे हैं। हाँ फिर ये हमारे घर में क्या हो रही है? पापा जी कंधे हैं। दो दिन से कलेश कर रही है, क्या हुआ? क्या कलेश कर रही है? जन्मदिन बनाऊंगा तेरा मैं, इतने कलेशों के अंदर दो दिन हो तेरा कलेश करते हुए। किसको कलेश करते हुए? अब तेरे को टेंशन पता क्या हुई है? मेरे साथ ना फालतू की बात करना मत, समझ में आ गई ना सनी? तेरे को टेंशन, मैं आपसे कोई बर्थडे मांग नहीं रही हूँ कि करवा के कभी किसी से बुलवा के काम नहीं करवाए जाते हैं यहाँ पे। अभी तक तो शांत बैठे, जब तक तेरे को पता लगा 12:15 हो गए हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज में। आप घर में इतने कलेश रखते हो कि आप जन्मदिन वाले दिन भी कलेश रख रहे हो घर के अंदर। आपके मन में घटिया सोच रहती है। मैं कोई भूखी नहीं हूँ कि आपके बर्थडे मनवाने की। ये मेरे घर वाले मेरा बर्थडे नहीं मना सकते। क्या उम्मीद लेके बैठे थी? केक लेकर आऊंगा, डेकोरेशन करूंगा। कुछ नहीं करोगे आप, कुछ नहीं करोगे। और मैंने आपके बर्थडे में आज तक जिंदगी भर, फर्स्ट बर्थडे पे मैं 8th month प्रेग्नेंट चल रही थी, 8वें महीने से प्रेग्नेंट, और ऊपर छत्तियों पर चढ़ चढ़ के मैं बैलून लगाती फिर रही थी। आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरा बर्थडे मैं अपने घर लड़के गई हुई थी, तब भी मैं अपने घर से आई बर्थडे मनाने की। बंदे का बर्थडे स्पॉइल नहीं होना चाहिए। आपका ज्यादा घटिया बंदा होगा नहीं दुनिया में। मेरी मेरी सुन ले अब दिल की बात। क्यों सुनू? मैं लोगों से बातें करूंगी। तेरे दोनों कलेशों के चक्कर में ना, दो दिन से कलेशों के चक्कर में तेरा बर्थडे भी खराब, बेटी का भी खराब, क्योंकि इंसान की ना खुशी खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई ना, अपनी खुशी को खत्म रखना। आपकी खुशी चाहिए नहीं ना बेटी। ये वर्ड मत बोलना सनी दोबारा, ये दोबारा बकवास कर मत लेना कि उसका भी बर्थडे खराब मेरा भी। हम आपके चक्कर में अपना बर्थडे स्पॉइल नहीं करने वाले। मेरी बच्ची के लिए उसके नाना नानी ने सोच लिया है, मेरे लिए स्पेशली, मैं तो उनकी बेटी हूं ही, मेरे लिए भी सोच लिया है। किसी बहन में बता रहा है कि आपकी ये बर्थडे ऐसे मेरे को सोचोगे कि यहाँ पे आप केक लगाओगे या बर्थडे लगाओगे तभी मैं आपसे खुश हूँ। आपकी जुबान ही इतनी गंदी है कि जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। कम से कम मेरे आगे मत बैठो। 12 बजे तक वेट कर रही थी, मेरा पति कुछ करेगा। अरे कलेश ना करती ना, बहुत कुछ करता तेरे साथ में, बहुत कुछ करता। ये लेकर आता, वो लेकर आता, बहुत सारे काम करता मैं। आपको क्या लग रहा है कलेश मैं कर रही हूँ ना? मैं कर रही हूँ ना, ठीक है। मेरे से बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आपके बर्थडे, आपको तो इतनी भी शर्म नहीं है यार कि एक बंदा उठ के इतना ही कह देता है कि चल हैप्पी बर्थडे। आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा कोई लाइफ में? बेटा बर्थडे बन जाएगा आपका, टेंशन ना लो। पापा का मूड ठीक नहीं था बेटा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है बेटा? आई लव यू बेटा, अच्छा मनाऊंगा, ठीक है बेटा? अच्छा कितना मनेगा ये तो दिख ही रहा है ना सबको। यहाँ सबके 12 बजे मेरे को मैसेज पे मैसेज, बड़े बड़े लोगों के मैसेज आ रहे हैं। चल इग्नोर, सोने चल। क्यों नहीं? हाँ मन, नहीं सोना, नहीं सोना बेटा। ये भी कलेश करेगी, उसके बाद सोएंगे बेटा, ठीक है बेटा? अभी नहीं सोना बेटा। केक काटना बेटा। उसको भी उम्मीद थी कि केक आएगा, उसको भी पता मेरा बर्थडे, और उसको उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस पे आपने जो घटिया पानी फेरा है ना, या जिंदगी भर माफी मांगोगे उसकी भी माफी नहीं है कि बच्चे का बर्थडे भी नहीं दिखा इस इंसान को लड़ाई के बीच में। इससे तो गंदा कुछ हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में। अरे और गालियां दे ले, और गाले दे ले। मुझे जरूरत नहीं है कलेशों में, टाइम नहीं है सनी, मैं आपको गाली दूं। कलेशों में पति को रखेगी ना, कभी सुख नहीं पाएगी। किसने कलेश करा? किसने कलेश करा है? अपनी ना थोड़ी कहानी है। आप तो इतने बदतमीज हो ना, बस लोगों को दिखता नहीं आपकी बदतमीजी। बदतमीजी पीछे सबसे बड़े बदतमीजी आप हो दुनिया भर के, समझ में? लोगों को बस ये दिखता है कि आप वीडियो में ये कर रही है, लेकिन वो सबसे बड़े बदतमीज आप आ रहे हैं यहाँ पे कलेश करती। कलेशबाज आप हो, सबसे बड़े कलेशबाज। अरे जन्मदिन की ये वीडियो तेरी डाल दी ना मैंने, वायरल हो जाएगी पूरे भारत देश। मैं तो वायरल, बिल्कुल डालो, लोगों को पता भी तो लगना चाहिए। वायरल हो जाएगी। कोई बात नहीं, वायरल होने दो, वायरल हो जाए, मेरे को किसी चीज का डर नहीं। और ये जो वीडियो में बनवाने लगा है ना, लग रहे हो कलेश की, ये प्रूफ बना के रख रहे हो। इसको बना के रखूं, मुझे इससे 1% फर्क नहीं पड़ता। आपकी जैसी नहीं हूं, अच्छी बन बन के दिखाऊं। नहीं, मेरे अंदर वो नहीं है, मैं जो हूं मैं हूं। बेटी इधर आजा बेटा, केक दिखाऊं इधर। आ बेटा इधर। अरे बेटा केक दिखाऊं? हमें कोई जरूरत नहीं है केक। मैं फोन में दिखा रहा हूँ उसको, तेरी खुशी के लिए नहीं भर रहा। जन्मदिन दोनों का है, बर्थडे उसी का बनेगा। आजा बेटा, केक आ गया। आजा बेटा, आजा। केक आ गया, ये लो। आओ केक लो, ये लो। इधर आओ। ये डिंक चिका, ये टिटकन डिंक चिका, ओए होए ये गालियां बढ़िया लगी, ओए होए ये गालियां बढ़िया लगी।
काका एक बार जोर से बोल दे गुस्से वाली, बोल दे गुस्से वाली। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू प्यारी बेटी। चलो भाई हैप्पी बर्थडे। ये कौन लाया? ये वाह, इसके अंदर कोई बैठा है। ये मेरा केक है, टुडे इज माय बर्थडे। दोनों का बर्थडे है ना बेटा? इग्नोर पापा है। काका ये बोल दे गुस्सा मत किया करो, बोल दे गुस्सा नहीं मत किया करो। मैं तो करूंगी गुस्सा, मुझे अच्छा लगता है गुस्सा करना। बोलो मेरे अच्छे पापा है। मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता नोना। बोलो मेरे अच्छे पापा है। गंदे दुनिया का सबसे अलग सबसे जबरदस्त केक जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, आपका तहलका भाई लेकर आया है, जिसकी ओपनिंग करेगी मेरी धर्मपत्नी। प्लीज ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं। खुश रहा करो, पति को खुश रखो, कलेश करोगी। अरे मेरे सर में दर्द मत करना, यहाँ से ना बाहर हो लो। जाने मत, सुनो सुनो, चिल्लाओ मत यार, चिल्लाओ मत, मेरा बच्चा सुनो। ये मेरा केक है। हाँ जाने मन, कलेश करोगे पति कमा नहीं पाएगा, पति आगे नहीं बढ़ पाएगा। कमा कहाँ से रहा है, पति तो कलेश पैसे कमा रहा है और कलेश बंद हो जाएगी घर के अंदर। ये अभी नहीं खोलना, अभी कुछ और आ रहा है, रुक जाओ वेट, अभी कुछ और ला रहा हूँ। दोनों गिफ्ट है। आइस क्लोज करो, दोनों आइस क्लोज करो। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। अभी तो वीडियो बना रहा था मैं, जिससे कि ए तू यहाँ खड़ा हो जा, अभी मत तू ही मत दे हल्का सा। ए ए ए ए दोस्तों, बहुत सारे प्यारे प्यारे तोहफे जो खुशियां बटोरेंगे भी और लाइफ में काम भी आएंगे। काम ऐसा करो कि सारी चीजें अच्छी हो जाएं। आ जाओ, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। दोस्तों धर्म पत्नी के लिए है, कुछ भी नहीं, कचड़ा निकलेगा। ये क्या है? डायमंड रिंग। कुछ बोल रही है ये आपके। ये बेटी का दिल देखो ना छीना ना, ये बोला कि मैं लूंगी, ये आपके लिए, प्यार से लो, प्यार से। डायमंड रिंग है ये? ऐसे नहीं, प्यार से लो भाई। थैंक यू गाइस, डायमंड रिंग। अब ये कुछ पैसे दिखाने नहीं चाहिए, लेकिन ये बेटी के खाते में जमा कराना। ये है 1,01,000 रुपए। ये बेटी की सेविंग है, बेटी के काम आएगी। बेटी के हाथ में दो, बेटी के हाथ में दो, दो बेटा मनी। ये आपकी सेविंग है, आपकी आपकी स्टडी में, आपकी फ्यूचर में काम आएगी। ठीक है बेटा, डायमंड रिंग। पापा को पूछी करो, इग्नोर पूछी करो। चलो काका, माय डायमंड रिंग। ये हो गई बेटी का, नाइस ना? yeah, और अब कुछ चीजें बेटी के लिए खुलने वाली हैं। ये डॉल भी, देखो ये 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 मेरा बेटा। सारे पैसे भी, डॉल भी, और ना ना, और बेटी का ये भी। इतनी सारी क्यूट डॉल, ये इससे करते बेटा। दीदी का फोन आ रहा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ये देख लो जी, सबसे पहला गोल
दोस्तों सबसे पहले कॉल मेरी बहन का जोएनेल। हाँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा छोटा बच्चा, मेरी जान, मेरा बच्चा रहे। ये रहा आपका बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बोलो पापा। मेरी बिटिया। पापा गिफ्ट लाए। देखो। हाय मेरा बच्चा, तुम मेरे को वीडियो कॉल कर, मेरी बिटिया। बोल पापा गिफ्ट लाए, बहुत सारे बोल देगा। मेरी बिटिया, मेरे को वीडियो कॉल कर। पापा बहुत सारे गिफ्ट लाए, बोलते बोलते। चल चल बस वीडियो बन रही थी ना, मैं बोल देती हूँ। सो गाइज, ऐसे ही बहुत सारा प्यार आप भी देना, बर्थडे की बहुत सारी बेस्ट विशेस भेजना, अगर कोई चाहे तो गिफ्ट भी भेज देना, है ना। तो गाइज, अभी ये वाला केक हम रिवील मॉर्निंग में करेंगे, बिकॉज अभी मैं अपनी बेटी के लिए स्पेशल केक बनवा के लाई हूँ, जो कि उसका फेवरेट है। इसको सरप्राइज ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस केक को रिवील करेंगे कि ये कितना सुंदर केक है ना। अब ताकि सस्पेंस बनेगा भाई, मेरे बर्थडे के गिफ्ट इसी वीडियो को वायरल करोगे तभी आएंगे, और ऐसी डायमंड, क्या डायमंड सेट भी आएगा, और हम भी बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे, है ना। कल तो ये वाला रिवील कल करेंगे, अभी हम एक केक कट करते हैं, वो मैं लाएंगे। इसको नहीं खोलना अभी? नहीं अभी नहीं। लेकिन तेल का केक है, कल बने रहना, सेकंड पार्ट तेल का बताते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, सही है।